प्रशासन के पास मैं गुहार लगाने गई। 7 साल पहले भी मुजरिम मुझे मार के बचे हैं, जिसको मैं सुलह कर दी थी। इस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन दूसरी बार मेरे साथ, मतलब कि मेरा बच्चा भी मारा गया, मैं मरने से बची। मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो प्रशासन भी इसमें मिलकर भागीदारी है ना। यानी क्या होता है, ले आओ लाख रुपया दे दो। एसआई हैं, राजागंज के चौकी एसआई हैं, और वो इस वक्त उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। जाने के लिए 10 रुपये भाड़ा तक नहीं होता था। उन्होंने मुझसे इतनी डिमांड कैसे कर दी, कैसे उन्होंने मुझसे रुपया मांग दिया। सभी मतलब कि एविडेंस वगैरह हम सब कुछ दे चुके हैं। क्यों कि जितने एसआई ट्रांसफ़र हुए हैं थाना पर, चौकी पर, सब लोगों ने कितना रुपया खाया, हमें बस बता दिया जाए। मैं उतना रुपया मैं फेंकूंगी तब गिरफ्तारी होगी। अगर मेरे पास 1 रुपया नहीं है तो मैं अपने आप को बेचकर मैं रुपया सबको दूंगी, कि मैं भीख मांग कर दूंगी, कि मैं अपना मकान क्या, मैं इसके लिए क्या करूँ, मैं क्रिमिनल बन जाऊँ, मैं डकैत बन जाऊँ, मैं चोर बन जाऊँ, कि मैं उनको रुपया दूंगी। एसपी साहब से हमने कहा कि सर, गिरफ्तारी के लिए मुझसे रिश्वत मांगी जा रही है। तो सर ने फ़ोन किया, कहें कि अरे ये महिला सबूत वगैरह ली है, तुम लोग क्या कर रहे हो, गिरफ्तारी तुरंत करो। एसपी साहब के आदेश को जैसे लगता है लोग जूते की धूल मानते हैं, एसपी साहब के आदेश को इग्नोर कर देते हैं। हैं बड़े अधिकारी लोग हैं, एसपी साहब हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे सीओ साहब हो, चाहे डीजीपी साहब हो, चाहे महिला आयोग हो, चाहे मानवाधिकार हो, चाहे सीएम साहब हो, चाहे पीएम साहब हो, उन्हें इस चीज़ की जानकारी लेनी चाहिए कि हाँ उस महिला के साथ इंसाफ हुआ कि नहीं। थाने से और चौकी से, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे ऐसे कितने असहाय मजबूर बेगुनाह इंसान भटक रहे हैं जिनको न्याय नहीं मिला है। तो उनसे मेरी अपील है कि उस चीज़ की वो जाँच ले कि हाँ इसमें क्या फैसला हुआ, क्या निर्णय हुआ, केस कहीं दबाया तो नहीं गया है, इस चीज़ की उनको जानकारी लेनी चाहिए। बस ऑडियो है, क्योंकि मैं उनका फेस बनाती तो उन्हें शक हो जाता है। मैं मोबाइल छुपाकर मैं बनाई हूँ, और उनके आवाज़ को कोई झुटला नहीं सकता। वो अपने आप मुंह से खुद कबूले हैं कि अरे भाई मैं एसआई हूँ, मेरे हाथ में पूरा पावर है, मैं जो चाहूँगा वही होगा, मैं लुक दूंगा कि ये सब क्रिमिनल है, दोषी है, मर्डरी है, तो वही होगा, मैं लिख दूंगा कि बेगुनाह है तो वही होगा। तुम्हारे वकील साहब, एसपी साहब कुछ नहीं कर सकते, सब पावर मेरे हाथ में। सर मैं देना चाहूँगी, और ये भी बताना चाहूँगी कि चाहे उनका ट्रांसफ़र हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, वो जहाँ ड्यूटी करेंगे सभी लोग, मेरे पास एक एसआई की सबूत है ना, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जिस वक्त मैं रजदेपुर में मैं गई थी, सुनील तिवारी सर ने कहा कि मैं सबकी गिरफ्तारी करूँगी, ले आओ अभी सबको तोड़ूंगा। तो उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस कर फिर उन्होंने क्यों नहीं तोड़ा। जाहिर सी बात है कि उन्होंने रिश्वत खा ली है, क्योंकि मैं भूखे भी रहूंगी तो मेरा आवाज़ इतना ही निकलेगा। प्रशासन इसको जितना भी दबा ले, मेरे में जान नहीं रहेगा, फिर भी मैं इसी तरह चीख चीख कर मैं सच्चाई कहूंगी। मैं मीडिया के सामने ये कह रही हूं कि प्रशासन मेरी जितनी भी दुश्मन बन जाए, मुझे इसका डर नहीं है, क्योंकि जब मैं मरते मरते मैं बची हूँ, मैं प्रशासन के पास मैं गुहार लगाने गई, मतलब कि मेरा बच्चा भी मारा गया, मैं मरने से बची, मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो प्रशासन भी इसमें मिलकर भागीदारी है ना, कि तुम तीसरी बार उसे मार दो जान से। प्रशासन उसको सपोर्ट कर रही है ना, प्रशासन उसको बढ़ावा दे रही है कि मेरे पास सबूत होते हुए भी प्रशासन उसको ये डायरेक्टली कह रही है कि हाँ तुम उसे मारो। वो दबंगई से यहाँ पर वैसा वृत्ति करती, यहाँ पर रखी है, दिन दहाड़े वो आता है, जो जिसको वो रखी वो भी मुझे गाली दिया, मेरे ससुराल में जाके धमकी दिया। मैं चाहूँ तो मैं थाना एसओ एसपी सबको मैं पेश कर दूँ कि थाने पर कितना रिश्वत खाया गया है, मेरे पास इसका सबूत है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मुझे इंसाफ दिलाने में सबूत की जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पर मैं सबूत लेकर मैं आऊँगी कि मुझसे कितना रुपया मांगा गया है। सच्चाई होते हुए मैं रुपया क्यों, मेरे पास रुपया है, मैं तो असहाय, मैं गरीब, मैं बता रही हूँ कि इस वक्त मेरे पास फोटो स्टेट कराने के लिए भी 1 रुपया नहीं था, क्योंकि मैं अपने पति में अपना रकम पताई कितना चीज मैं बेच चुकी हूँ, मैं इलाज कराने के लिए आपेश होते हुए गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब प्रशासन से मेरा भरोसा उठ गया है, इसीलिए हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में उसने अपने आप को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लिया, उसको इंसाफ नहीं मिली, शायद सच्चाई मेरे सामने अब आई है। हेलो नमस्कार, मैं हूं मधु, आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो। मैं पहुंच चुकी हूं गाजीपुर ज़िले के रुई मंडी में। मैं यहां एक ऐसी महिला से मिलवाने वाली हूं जो कि उस महिला को बहुत बुरी तरह मारा गया, और वो अपना दुख दर्द किस किस के पास लेकर गई, क्या हुआ
मैं ये आपको बताऊंगी और उनका परिचय आपसे करवाऊंगी। ये आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गीता चौधरी है, मैं मुहल्ला रोई मंडी पोस्ट मार्किनगंज में रहती हूँ। और मेरे पति के देहात जिन्होंने दीपावली के दिन 14 नवंबर 2020 को हमें बुरी तरीके से मारा। अच्छा ये बताइए कि आपसे किसने पैसा मांगा था? मैम मेरे पास कोर्ट का आदेश होते हुए कि मेडिकल की धाराओं को देखते हुए जोड़कर उनके उनमें कन्वर्ट कर 313 लगा कर चारों की गिरफ्तारी की जाए, तो हमने गोविंद सर से यही अपील किया कि सर अब तो गिरफ्तारी होनी चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि कहाँ इसमें लिखा है, कहाँ लिखा है कि कन्वर्ट किया गया है, 313 में गिरफ्तारी है। सर मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, उसके बावजूद सर ने मुझसे ये कहा। तो कहे कि ठीक है अपने वकील साहब का नंबर दो। तो हमने कहा सर आप वकील साहब से क्यों बात करेंगे? तो मेरे वकील साहब कह रहे कि अरे गीता उनको चाय पानी व्यवस्था का कुछ खर्चा वर्चा चाहिए। तो हमने कहा कि सर कितना चाहिए, उनसे हमने डायरेक्टली ने हमने वकील साहब से पूछे कि सर उनकी कितनी मांग है। तो बोले 10-20 हज़ार टिका देना। तो हम कहे सर आप तो जानते हैं कि मैं कितनी गरीब हूँ। अच्छा मैं चौकी पर एसआई सर के पास गई, मैं अपना मोबाइल छिपा कर रखी थी, हम देखना चाहते थे कि मुझसे वो रिश्वत की बात करते हैं कि नहीं। तो पहले उन्होंने कह दिया कि इसमें नहीं लिखा है, फिर बोले कि कुछ खर्चा वर्चा करो 313 में लगा के मैं चारों गिरफ्तारी करता हूँ। तो हमने कहा कि सर मेरे पास रुपए पैसे तो है नहीं, लेकिन हाँ ठीक है आप गिरफ्तारी कर दीजिए तो मेरे पास जितनी शक्ति होगी मैं आपको दूंगी। मैं उसमें ये शब्द तो मैं बोली हूँ, मेरे पास इसका सबूत है अभी तक। तो सर से पूछे कि वो बोले कि जाओ 10-20 हज़ार खर्चा पानी का दे देना। तो हम कहे सर मेरे पास तो इतनी नहीं है। कहे अरे 10-20 हज़ार तो चाय पानी का होता है, ले आओ 1,00,000 रुपया दे दो आप भी गिरफ्तारी कर देते हैं। क्या नाम है उनका जिन्होंने आपसे ये कहा? सर गोविंद मौर्य जी। किस पद पे हैं? एसआई हैं, राजागंज के चौकी एसआई हैं, और वो इस वक्त उनकी ट्रांसफर हो चुकी है, वो यहाँ पर ड्यूटी पर। उनका साक्ष्य देना चाहेंगी आप? मैं यही बताऊंगी कि वर्दी जब पहने हैं तो कम से कम सामने वाले को पहचानना तो चाहिए कि वो गरीब है कि अमीर है, कि वो मुजरिम है कि क्रिमिनल है। मैं सच्चाई के साथ, मैं सबूत के साथ थी, मैं असहाय, मैं गरीब, मेरे पास तो राजागंज चौकी पे जाने के लिए 10 रुपये भाड़ा तक नहीं होता था। उन्होंने मुझसे इतनी डिमांड कैसे कर दी, कैसे उन्होंने मुझसे रुपया मांग दिया? तो जाहिर सी बात है कि जब मुझसे रुपया मांग दिए, मैं बेगुनाह, मेरे पास सभी मतलब कि एविडेंस वगैरह हम सब कुछ दे चुके हैं। तो उन्होंने क्रिमिनल मुजरिम से कितना रुपया खाया है कि उन्होंने अब तक गिरफ्तारी नहीं की? सभी लोग से मैं पूछना चाहती हूँ कि जितने एसआई ट्रांसफर हुए हैं थाना पर चौकी पर, सब लोगों ने कितना रुपया खाया है हमें बस बता दिया जाए। मैं उतना रुपया मैं फेंकूंगी तब गिरफ्तारी होगी। अगर मेरे पास 1 रुपया नहीं है तो मैं अपने आप को बेचकर मैं रुपया सबको दूंगी, कि मैं भीख मांग कर दूंगी, कि मैं अपना मकान क्या मैं इसके लिए क्या करूं? मैं क्रिमिनल बन जाऊं, मैं डकैत बन जाऊं, मैं चोर बन जाऊं कि मैं उनको रुपया दूंगी? इंसाफ पाने का यही न्याय है, यही तरीका है। ये बात हमने एसपी साहब से हमने कहा कि सर गिरफ्तारी के लिए मुझसे रिश्वत मांगी जा रही है। तो सर ने फोन किया, कहें कि अरे ये महिला सबूत वगैरह ली है, तुम लोग क्या कर रहे हो, गिरफ्तारी तुरंत करो। एसपी साहब के आदेश को जैसे लगता है लोग जूते की धूल मानते हैं, एसपी साहब के आदेश को इग्नोर कर देते हैं। साहब वहां से तो ड्यूटी पे देखने आ नहीं रहे हैं, एसपी साहब ने कह दिया, वो फाइल दब गई, उसको क्लियर कर दिया गया कि चलो हो गया केस, सब चीज फाइनल हो गया। फिर मैं एसपी साहब के यहाँ जाऊंगी, फिर वही मैटर होगा, फिर मैं एसपी साहब के यहाँ जाऊंगी, फिर वही चीज होती। कभी अगर कोई पब्लिक या जनता मजबूर अगर साहब लोग के पास जाता है अपील लेकर कि हाँ ये कार्यवाही नहीं हो रही, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, तो मेरा जितने भी साहब लोग हैं, बड़े अधिकारी लोग हैं, एसपी साहब हो चाहे डीएम साहब हो चाहे सीओ साहब हो चाहे डीजीपी साहब हो चाहे महिला आयोग हो चाहे मानवाधिकार हो चाहे सीएम साहब हो चाहे पीएम साहब हो, उन्हें इस चीज़ की जानकारी लेनी चाहिए कि हाँ उस महिला के साथ इंसाफ हुआ कि नहीं थाने से और चौकी से। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे इससे कितने असहाय मजबूर बेगुनाह इंसान भटक रहे हैं जिनको न्याय नहीं मिला है। तो उनसे मेरी अपील है कि उस चीज़ की वो जांच ले कि हाँ इसमें क्या फैसला हुआ, क्या निर्णय हुआ, केस कहीं दबाया तो नहीं गया है,
इस चीज की उनको जानकारी लेनी चाहिए। ये बताए दरोगा जी की वीडियो आपके पास है, वो देना चाहेंगे? जी मेरे पास उनका वीडियो नहीं, मेरा उनके पास ऑडियो है, क्योंकि मैं उनका फेस बनाती तो उन्हें शक हो जाता है। मैं मोबाइल छुपा कर मैं बनाई हूँ और उनके आवाज को कोई झुटला नहीं सकता। वो अपने आप मुँह से खुद कबूले हैं कि अरे भाई मैं ऐसा ही हूँ, मेरे हाथ में पूरा पावर है, मैं जो चाहूंगा वही होगा, मैं लुक दूंगा कि ये सब क्रिमिनल है, दोषी है, मर्डरी है तो वही होगा, मैं लिख दूंगा कि बेगुनाह है तो वही होगा। तुम्हारे वकील साहब, एसपी साहब कुछ नहीं कर सकते, सब पावर मेरे हाथ में। सर मैं देना चाहूंगी और ये भी बताना चाहूंगी कि चाहे उनका ट्रांसफर हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, वो जहाँ ड्यूटी करेंगे सभी लोग, मेरे पास एक एसआई की सबूत है ना, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जिस वक्त मैं रजदेपुर में मैं गई थी, सुनील सर ने, सुनील तिवारी सर ने कहा कि मैं सबकी गिरफ्तारी करूँगी, ले आओ अभी सबको तोड़ूंगा, तो उन्होंने मुझसे ये प्रॉमिस कर फिर उन्होंने क्यों नहीं तोड़ा? जाहिर सी बात है कि उन्होंने रिश्वत खा ली, जाहिर सी बात है ना। मेरा जख्म देखते हुए कहें कि जाओ चारों को पकड़ कर लेकर आओ, मैं तोड़ूंगा, मैं जी भर को पहले यहीं तोड़ दूंगा, फिर उसके बाद कहते हैं कि मारना पीटना मेरी ड्यूटी नहीं। ठीक है आप मारिए पीटिए नहीं, लेकिन जो आपको आपके ड्यूटी के अंडर में है वो तो आप कीजिए। उसके बावजूद मुझे ही कहा जा रहा है, सुनील सर बोल रहे हैं कि थोड़ा धीरे बोलो, चिल्लाओ नहीं, मेरा आवाज़ इतना तेज है, मेरे शरीर में जान हो चाहे ना हो मेरा आवाज़ बुलंद है, क्योंकि मैं भूखे भी रहूँगी तो मेरा आवाज़ इतना ही निकलेगा। प्रशासन इसको जितना भी दबा ले मेरे में जान नहीं रहेगा, फिर भी मैं इसी तरह चीख चीख कर मैं सच्चाई कहूंगी। प्रशासन मेरी जितनी भी दुश्मन बन जाए मुझे ये डर नहीं है, मैं मीडिया के सामने ये कह रही हूँ कि प्रशासन मेरी जितनी भी दुश्मन बन जाए मुझे इसका डर नहीं है, क्योंकि जब मैं मरते मरते मैं बची हूँ, मैं प्रशासन के पास मैं गुहार लगाने गई, 7 साल पहले भी मुजरिम मुझे मार के बचे हैं, जिसको मैं सुलह कर दी थी, इस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन दूसरी बार मेरे साथ मतलब कि मेरा बच्चा भी मारा गया, मैं मरने से बची, मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो प्रशासन भी इसमें मिलकर भागीदारी है ना, कि तुम तीसरी बार उसे मार दो जान से, प्रशासन उसको सपोर्ट कर रही है ना, प्रशासन उसको बढ़ावा दे रही है कि मेरे पास सबूत होते हुए भी प्रशासन उसको ये डायरेक्टली कह रही है कि हाँ तुम उसे मारो, वो दबंगई से यहाँ पर वैसा वृत्ति करती, यहाँ पर रखी है, दिन दहाड़े वो आता है, जो जिसको वो रखी वो भी मुझे गाली दिया, मेरे ससुराल में जाके धमकी दिया कि समझा दा अपने पतों के न तो बहुत बुरा हो जी, क्या यही प्रशासन का है? गोविंद सर ने बोला जब मैं बताई कि वो मेरे ससुराल में जाकर जिसको वो रखी है जुगू नाम के, वो जाके मेरे ससुराल में धमकाता है, तो एसपी साहब ने आदेश दिया कि जाकर उसको पकड़ कर लेकर आओ, और वहाँ पे धमकी दिया जाकर वहाँ से दो चार लोग को गवा लो, उसको बल भर के तोड़ो कि महिला के घर क्यों गया है धमकाने के लिए। गोविंद मौर्य सर ने बोला कि हाँ मैं आता हूँ, मैं 10 बार मैं फ़ोन की, मैं 50 बार फ़ोन की, वो आते रह गए। आपको पैसा मिला था? सभी लोग को मैं पूछ रही कि आप लोगों को पैसा मिला था, कि आप लोग नहीं सुनते हैं, डायरेक्टली बताइए ना कि पैसा मिलता है, तो ये आप लोग थाने पे और चौकी पे लिख दीजिए कि यहाँ पर जो रिश्वत देगा उसकी सुनवाई होगी, जो रिश्वत नहीं देगा उसकी सुनवाई नहीं होगी। मैं एसपी साहब डीएम साहब से ये कहूँगी कि आप लोगों ने जिस पे भरोसा करके जनता की रखवाले के लिए आप लोग छोड़े हैं, वो जनता की रक्षक नहीं भक्षण हैं, उन्होंने ये खुली मतलब की चुनौती दी है कि मुस्लिमों को आज़ाद छोड़े हैं कि हाँ एक क्राइम किए हो, दो क्राइम किए जाओ, चौथी और पांचवी क्राइम तुम करो, इसकी परमिशन हम देते हैं। सर मेरी यही बस विनती है आप लोगों से कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे गिरफ्तारी, मुझे अपने जीते जी अपने आंखों से देखनी है चारों की गिरफ्तारी। प्रशासन अगर इसमें सुनवाई नहीं करती है तो मैं शायद जो ना करना हो मैं वो कर जाऊंगी, मैं किसी को धमकी नहीं दे रही, मैं थक गई हूँ। 14 नवंबर आएगा तो पक्का 1 साल होगा, 1 साल होने से पहले मुझे चारों की गिरफ्तारी और जो कानून का न्याय बनता है मुझे वो सजा अपनी आंखों से मुझे देखना है। इसमें आप अपना अच्छा ये बताइए कि कोई आपसे बात करना चाहे, मिलना चाहे, कोई आपकी मदद करना चाहे तो आप क्या कहेंगे? मैं अपना पर्सनल नंबर देना चाहूँगी, मेरा नाम है गीता चौधरी, मोहल्ला रोई मंडी पोस्ट मार्किनगंज जिला गाजीपुर की मैं निवासी हूँ, और मेरा मोबाइल नंबर है 830-37-94-235। तो देखा आपने ये न्याय पाने के लिए आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। जो प्रशासन है वो गरीबों की मदद नहीं करेगी, पीछे दौड़ते रहते हैं लोग।
और एक महिला की महिला को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन नाकाम है। क्या लोग भरोसा करेंगे कानून पे और क्या कानून मदद करेगी? और मैं सरकार से यही विनती करना चाहती हूँ कि इनकी गुजारिश जो इन्होंने की है उस पे सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ मैं मधु, धन्यवाद।